तो हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मीणा और हमारे साथ है राजेश मालव। और हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं कोटा की। कोटा में कितना एक्सपेंसेज होता है एक स्टूडेंट का, पर मंथ भी हम दिखाएंगे और पर ईयर का कितना होता है वो भी हम आपको बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो एक्सपेंसेस के जो बड़े बड़े हेड है ना, सबसे पहले वो लिख देता हूँ। हाँ। सबसे पहला, हाँ, आपका खर्चा होता है कोचिंग में, कोचिंग में, कोचिंग, ठीक है, मतलब। दूसरा आपका खर्चा होता है हॉस्टल्स, हॉस्टल में, ठीक है। तीसरा आपका खर्चा होता है स्कूल फीस में, हाँ, स्कूल फीस, ठीक है। इसके बाद आपका अगला खर्चा होता है हॉस्टल पे, अगर फूड होता है तो वो हॉस्टल में मान लेंगे हम, अदरवाइज इसका दूसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है आप पीजी में रहते हैं, पीजी प्लस, और फिर आपका मैस का खर्चा होता है, ठीक है। और इसके बाद आपके खर्चे होते हैं हम बोलेंगे कि अदर्स, उसमें आपका पॉकेट मनी आ गया, आपका कभी बाहर खाना वाना आ गया, आपका स्टेशनरी आ गई, हाँ, ये सब आ जाएगा उसमें। तो ये मोटे मोटे खर्चे हैं कि भाई आपका कोचिंग में क्या होता है, हॉस्टल में क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब एक काम करते हैं कि ये देख लेते हैं कि भाई ये टोटल जो खर्चे होते हैं ये किस तरीके से अलग अलग है ना, डिवाइडेड है, और हम किस तरीके से इनको कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं जी। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन कोचिंग की, कोचिंग फी की, कोचिंग फी की। सो ये हो गया हमारा कोचिंग। कोचिंग में भी सर पहले आईआईटी का लेते हैं अपन ना, आईआईटी की अगर बात करें कोचिंग में, कि आईआईटी या फिर अपन बोले कि जेई वाले कोर्सेज क्या होते हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं इनको जी। तो अगर इनकी बात करें तो मेरे ख्याल से कोटा में पीडब्ल्यू की फीस थोड़ी कम है, हाँ, और करियर पॉइंट भी थोड़ा सा कम ले रहा है, 35 लगभग, 35 के आसपास ले रहा है जेई में, है ना। तो चलो पकड़ लेते हैं कि 40,000 रुपए से लेकर, ठीक है, 40,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख आपका जो खर्चा है वो 1.5 लाख तक कोचिंग की फीस पर होता है। तो सब कोचिंग इसमें आ गई, सबसे कम में तो क्या आ गया, करियर पॉइंट आ गया, फिर पीडब्ल्यू आ गया थोड़ा बहुत, पीडब्ल्यू आ गया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा अनअकैडमी, फिर आपके क्या बोलते हैं, रेजोनेंस आ गया, एलन आ गया, फिर आपके वाइब्रेंट आ गया, वाइब्रेंट आ गया, और उसके बाद फिर एलन आ गया। तो अगर बात करें तो ये जो कम वाले है ना, ये यहाँ लिख देते हैं पीडब्ल्यू 80,000 है ना, और सीपी ये लगभग 40,000 to 80,000 तक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये बात है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक, इसमें सब आ गए, इसमें अपना एलन आ गया, एलन की 1,45,000 11th की, और रिपीट जो, फिर आपका रेजो आ गया, हाँ, फिर आपका वाइब्रेंट आ गया, ओके, फिर अपना मोशन भी आ गया इसमें, और अनअकैडमी भी आ गया, है ना। ये अच्छे अच्छे कोचिंग है कोटा के, ये मेन कोचिंग, तो बड़े बड़े तो एक आकाश भी है, आकाश भी हम जेई पढ़ाने वाला है कोटा में, तो हम आकाश को भी ले लेते हैं इसमें, वो भी इसी रेंज में है क्योंकि 1 लाख से 1.5 लाख की रेंज में। तो ये तो आपका कोचिंग का मोटा मोटा खर्चा हो गया। तो इस खर्चे को हम कहीं लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं 40,000 to हाँ, ये, या फिर एक काम करते हैं हम लोग इसको लिख लेते हैं कि भाई 40K, हम लिख लेते हैं इसको 40K। अच्छा, स्पेशली कर देते हैं भाई, 1.5 लाख, ठीक है, हाँ, एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं अगले हेड की, है ना, अगला हेड आ गया हमारा, इसका कोचिंग लिख देंगे तो ये याद रहेगा, हाँ, वो लिख देंगे बाद में लिखेंगे, लेकिन अब आते हैं हॉस्टल पे, ठीक है, ये आपका हॉस्टल आ गया जी। हॉस्टल की जो है ये अभी तक हॉस्टल जो थे, मतलब पिछले साल तक की अगर हम बात करें तो हॉस्टल 7,000 to 8,000 में अवेलेबल थे, लेकिन पिछले साल क्योंकि कोटा में बच्चा बहुत आ गया है इस वजह से हॉस्टल की कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ गई। तो अब अगर अपन माने तो आप ये मानो 9,000 पे नहीं जाते हैं, अपन सीधी बात करते हैं कि यार 9,000 से लेके, और वैसे तो जाने को तो बहुत है, लेकिन डिसेंट अगर आपको मिलेगा तो 9,000 से 14,000 तक मिल जाएगा आपको, ये
ठीक ठाक डिसेंट होटल मिल जाएगा जिसमें अच्छा कमरा, हॉस्टल मिल जाएगा जिसमें अच्छा कमरा रहेगा, बाथरूम रहेगा, खाना प्रॉपर मिल जाएगा, नाश्ता वाश्ता सारा मिल जाएगा, लॉन्ड्री मिल जाएगी, ये सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। ऐसे होने को तो 15,000, 20,000, 25,000 के हॉस्टल भी है कोटा में, लेकिन 9,000 से 14,000 तो हॉस्टल का हो गया। अब हॉस्टल के अलावा एक ऑप्शन मेरे पास और है, बच्चा हॉस्टल में नहीं रहेगा तो क्या करेगा? पीजी प्लस मेस कर लेगा, वो पीजी प्लस मेस कर लेगा। अच्छा, ये हॉस्टल प्लस फूड का बताया मैंने, है ना, ये अलग है और ये हॉस्टल प्लस फूड हो गया। पीजी प्लस मेस में कितना हो गया? पीजी आजकल पीजी जो है वो लगभग तीन में कुछ नहीं मिलेगा, 4K to 5K तो पीजी हो जाएगा। ठीक। और लगभग आपका जो खाना है वो 3.5 to 4K मान लो आप। हाँ, ये तो लग जाता है। ठीक है, तो ये भी जो इसका ओवरऑल अगर अपन देखें तो 8K to 10K तक ये चला जाता है पीजी प्लस। लेकिन इसमें आपको नाश्ता नहीं मिलता, ये बता देता हूँ मैं। इसमें आपको सिर्फ लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, वो भी टिफिन आएगा, और रूम मिलेगा, रूम में अटैच लेट बाथ मिल जाए नहीं मिले वो आपकी किस्मत है, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते। मेज पर जाकर खाना पड़ेगा, उससे आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन टाइम कंज्यूम होता है। टिफिन भी आता है, लेकिन फिर वो टिफिन का खाना थोड़ा ठंडा हो जाता है कभी कभी। तो ये आपका हॉस्टल एंड फूड का हो गया, तो इसको भी लिख लेते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये हो गया आपका 9K to 14K। ठीक है, ये लगभग आपका हॉस्टल का खर्चा हो गया, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब अगला जो ऑप्शन है हमारा स्कूल। स्कूल फीस भी इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है शायद। स्कूल का अगर हम बात करें तो स्कूल की फीस जो है यहाँ पर जो चार्ज करते हैं कोचिंग्स, वो चार्ज करते हैं 40K to 50K। ठीक है, तो ये स्कूल फीस मिनिमम कोचिंग वाले चार्ज करते हैं। अच्छा, ये अगर हाँ ये वन ईयर की, 11th और 12th की एडमिशन की, CBSE की है। अच्छा, CBSE लिख देता हूँ मैं, ये वन ईयर की फीस है CBSE 50K। और अगर हम बात करें RBSE यानी कि जो राजस्थान बोर्ड होता है, तो RBSE की फीस आपको 8K से लेकर 12K में काम हो जाएगा। कोचिंग में ज़्यादा चार्ज होता है। अब अगर बात करें कि कोचिंग में ना लें, क्या ये फीस कम भी हो सकती है? यस, ये फीस कम हो सकती है। हमें कॉन्टेक्ट करोगे तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, और ये फीस 30K to 35K या फिर मैक्सिमम 40K में हम आपका काम करवा सकते हैं। ठीक है, ये स्कूल की फीस में आपका बेनिफिट हम लोग करवा सकते हैं अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो, बाकी इतनी तो लगनी ही है फिर। चलिए, ये स्कूल का हो गया, तो ये लिख लेते हैं, आप ये लिख लेते हैं 35K to 45K। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब एक और हेड बच गया, अदर्स। अदर्स में अब क्या क्या आ जाएगा आपका? अदर्स में यार आपकी आपका छोटा मोटा खाना पीना, आपका स्टेशनरी, आपकी स्टेशनरी आ गई। स्टेशनरी का मतलब है कि आपको रजिस्टर लेना पड़ता है यहाँ पर लिखने के लिए, सारे नोट्स बनाने के लिए। कभी कभी आपको खाना अच्छा नहीं लगता तो आपका फूड का एक्सपेंस आ गया, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है फूड का एक्चुअली। कभी कभी आपको इधर उधर जाना होता है तो वो ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, ऑटो वगैरह का एक्सपेंस हो गया, और मिसलेनियस मान लो आप, मिसलेनियस मतलब जो अपन अभी नहीं बता सकते लेकिन वो हो जाते हैं खर्चे, तो वो करीब है मतलब 5K आप मंथली मान के चलो लगभग, या फिर ये मुंह बोल सकते हैं कि वो 3K to 5K मान कर आराम से मान के चलो, आराम से आराम। ठीक है ना, तो ये मोटा मोटा एक्सपेंसेस है आपका, ये मंथली इनका आप देख लो आ जाता है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका कोचिंग, कोचिंग हो गया भाई आपका 40,000 to 1.5 लाख के बीच में एक साल का। ये हो गया आपका हॉस्टल, और हॉस्टल हो गया भाई आपका 9,000 to 14,000 महीने। मेस, मेस मतलब कि मेस, मेस हॉस्टल कंप्लीट होता है वैसे अपना भाई, तो हॉस्टल ले ले या फिर आप पीजी ले ले, दोनों में से किसी एक का हो गया। ये आपका स्कूल का हो गया और ये अदर का हो गया। तो पर मंथ का देखा जाए तो कितना हो गया सर, इसको जोड़ लेते हैं।
एक्चुअली कोचिंग को अगर अलग हटाए तो पर मंथ का, और स्कूल को और कोचिंग को अलग हटा दो आप, तो पर मंथ का 10,000 मिनिमम तो होता ही होता है, 10-12,000 तो मिनिमम होगा, ठीक है ना। वैसे टोटल कर लेते हैं एक बार के लिए, और एनुअल अगर माने, ये एनुअल एक्सपेंसेस अगर माने अपन, तो एक बच्चे का एनुअल एक्सपेंसेस वो डिपेंड करता है किस कोचिंग में और क्या खर्च कर रहा है, ये 2 लाख से लेके 4 लाख तक एक साल का खर्चा बच्चे का हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा 2 लाख से लेकर 4 लाख तक आपका खर्चा होता है, और खर्चा किस किस में होता है ये हमने आपको बता दिया, और आप कुछ जगह अपना पैसा बचा सकते हो। तो उसके लिए आप, हमारा नंबर दिया हुआ है हमने यहाँ पे, उस पर आप कॉल कर सकते हो, तो हम पूरी हेल्प करेंगे। एक स्पेशल ऑफर भी हमारा है, जैसे कोटा की बात के साथ हम लोगों ने ऑफर निकाला था कि वाइब्रेंट अकेडमी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर 1.5 लाख फीस है, तो वो फीस सीधे सीधे आपकी 50,000 कम हो जाएगी। 11th की फीस जैसे 1,45,000 है वहाँ पे, तो 50,000 सीधे कम हो जाएगी अगर आप हमारे रेफरेंस से आते हो तो। और कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करेंगे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ यार, हम कुछ ना कुछ हेल्प तो आपकी करेंगे। करेक्ट।